बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, के सीआरओ भी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक इंतहाई अहम लेक्चर है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास टॉपिक है। पेपर के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर मोस्टली दिखाई देता है। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, चलिए कैथोड रे है क्या, कैसे वर्क करती है, आज हम ये चीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें कि इसके अंदर क्या-क्या चीजें हैं, ये कैथोड रे जो है सीआर जो है किन चीजों के ऊपर मुश्तमिल है। सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर क्या चीज है अभी देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास है इसके अंदर है फिल्म, इसको हम कुछ वोल्टेज देंगे, पीछे वोल्टेज सोर्स के साथ हमने बैटरी वगैरह के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। जैसे इसके अंदर से हमारे पास फिलामेंट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी चीज पास होगी तो ये हमारे पास हीट अप होना शुरू हो जाएगा और आगे इसके साथ हमने कनेक्ट किया हुआ कैथोड। इस फिलामेंट की वजह से कैथोड जो होगा वो हीट अप होगा जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं इनडायरेक्ट हीटिंग का, इन डायरेक्ट हीटिंग। के फिलामेंट अलग है, कैथोड अलग है, और फिलामेंट की वजह से कैथोड जो है वो हीट अप हो रहा है और उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो ऐसे प्रोसेस को इनडायरेक्ट हीटिंग का नाम दिया जाएगा। डायरेक्ट हीटिंग क्या होती है कि हमारे पास फिलामेंट और कैथोड एक ही चीज हो, अलग-अलग ना हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, डायरेक्ट हीटिंग का नाम देंगे। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर ग्रिड लगा है, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ये ग्रिड। ग्रिड का जो पोटेंशियल होता है वो हम नेगेटिव पोटेंशियल रखते हैं ग्रिड का। ग्रिड हमारे पास है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है सीआरओ। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या नंबर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ये थी हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन। जैसे हम फिलामेंट को हीट अप करेंगे कैथोड जो होगा वो हमारे पास हीट अप होना शुरू हो जाएगा और उसके अंदर से हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकालना शुरू हो जाएंगे जो कि एक बीम की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। इसके बाद आगे हमारे पास है एक्सेलरेटर एनोड्स। एक्सेलरेटर एनोड्स यहां आपको तीन तरह के एनोड नजर आ रहे होंगे, A1, A2, A3। A1 जो है हमारे पास इसका पोटेंशियल पॉजिटिव रखा है, ये हमारे पास प्री एक्सेलरेटर के तौर पर नाम है, प्री एक्सेलरेटर। जैसे ही हमारे पास ग्रिड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये अपनी जानब खींच लेगा, ये आगे की जानब जाने देगा और आगे हमारे पास आगे लगा हुआ एनोड A2, इसका काम है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आ रही है ना उसको स्कैटर्ड नहीं होने देना, उसको स्कैटर्ड नहीं होने देना, एक सीधी बीम रखनी है इसे, इसीलिए इसका नाम है फोकसिंग एनोड, फोकसिंग एनोड। और इसके बाद जो A3 हमारे पास है वो भी हमारे पास एक्सेलरेटर के तौर पर काम करेगा। तो ये हमारे पास पहला जो है प्री एक्सेलरेटर, दूसरा एनोड जो है वो फोकसिंग एनोड और तीसरा जो है हमारे पास वो भी एक्सेलरेटर के तौर पर था। ये थी हमारे पास एक्सेलरेटर एनोड्स। आगे हमारे पास है दो तरह की प्लेट्स हमने लगाई हैं, एक एक्स प्लेट है, एक को एक्स प्लेट का नाम दिया, एक को हमने वाई प्लेट का नाम दिया। जो हमारे पास वर्टिकली लगी हुई है ये एक्स प्लेट है, ठीक है, और ये हॉरिजेंटली इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है।
और जो हमारे पास है हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट लगी हुई है, ये वर्टिकली इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दाखिल होगी तो ये जो सोर्स है, ये प्लेट जो है हमारे पास, पीछे हमने टाइम बेस्ड जनरेटर के साथ अटैच की थी। टाइम बेस जनरेटर, ये जो टाइम बेस जनरेटर है ये हमारे पास इस तरीके से 60 वोल्ट जो वोल्टेज होती है हमारे पास वो प्रोवाइड करती है। 60 वोल्ट वोल्टेज के अंदर हमारे पास जैसे ही प्रोवाइड की जाती है एक्स प्लेट को, तो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रही होती है हमारे पास वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है और नाप घुमाकर हम अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज दैट इसकी मोशन देख रहे, सपोज दैट ये पार्टिकल की जो है हमारे पास मीन पोजीशन पर, उसकी मीन पोजीशन दिखाई दे रही है, यहां से अपनी मोशन को स्टार्ट करता है लीनियरली, आगे चला जाता है और ये पीक पर पहुंच गया। इसी तरीके से ये अपनी मोशन को यहां पे मैं यहां शो कर रहा हूं, ये आगे की जाने जा रहा है और ये पीक पहुंच रहा है, और ये जो यहां पे जाके ये जीरो है, सडनली अचानक रैपिडली ये जो हो गया हमारे पास वोल्टेज जीरो पर आ गया, ये इसी तरीके से यहां पर पहुंचा और अचानक तेजी के साथ यहां पर वापस आ गया। इसी तरीके से ये आगे की जाने पे आएगा, ये फिर नीचे की जाने, फिर आगे की जाने जाएगा, फिर नीचे की जाने, बिल्कुल इसी तरीके से कि ये हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रही है एक्स प्लेट के अंदर, ये हमारे पास इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी, फिर ये पीछे की जाने पर आ जाएगी, फिर आगे की जाने जाएगी हमारे पास, फिर आगे की जाने जाएगी, फिर पीछे की जाने पर आ जाएगी। तो ये इस तरीके से इसकी मोशन एक्स प्लेट के अंदर होगी और जैसे ही आगे गुजर के वाई की जाने जाएगा तो वाई प्लेट का काम है इसको वर्टिकली अपवर्ड यानी कि इसको मूव करवाना। तो ये हमारे पास नाव के जरिए से हम उसकी जो मोशन होगी वो कंट्रोल करेंगे और आगे जैसा हमें ग्राफ के अंदर जैसा चाहिए होगा, जहां पे चाहिए होगा वो हम उसकी जो होगी वेव की जो वेव का जो डिस्प्ले होगा वो हम वहां से स्क्रीन से हासिल कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास बेटा सीआरओ। तो सीआरओ हमारे पास ये साइनोसोइडल वेव जो होती है इसके अंदर हम हासिल कर सकते हैं सीआरओ के जरिए से। और जो पोटेंशियल होता है तो पोटेंशियल की वेव किस तरीके से बनती है और या फिर किसी किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, तो हम उसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, पोटेंशियल की पीक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक डिवाइस है। आज के लिए इतना ही बेटा, अल्लाह हाफिज़।